नमस्कार बच्चों, आज हम वसंत के पाठ 12 सुदामा चरित के शब्दकोश को पढ़ेंगे। शब्द सुहावत यानी सुंदर, सुहाना लगना, यह एक विशेषण शब्द है। वाक्य मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत सुहावत हैं। कृष्ण जी के मुकुट पर मोर का पंख बहुत सुहावत है। शब्द महावत हाथीवान, यह एक संज्ञा शब्द है। वाक्य कृष्ण जी की कृपा से आप सुदामा के घर भी हाथी व महावत हैं। महावत अपने हाथी का बहुत ध्यान रखता है। भूई धरती यानी भूमि, यह एक संज्ञा शब्द है। वाक्य भूई हमारी जननी है, हमें पूजन के लिए भूई साफ रखनी चाहिए। पन्ही यानी जूती चप्पल, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य रेखा ने अपनी पन्ही विदेश से मंगवाई है। सुदामा से मिलने के लिए श्री कृष्ण बिना पन्ही ही पहुंच जाते हैं। शब्द आलीशान यानी शानदार, यह एक विशेषण शब्द है। वाक्य राजा का महल बहुत आलीशान था। मोहन ने अपने परिश्रम से आलीशान घर का निर्माण करवाया। दुपटी यानी अंगोछा गमछा, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य मजदूर को अपनी दुपटी ओढ़ कर सोने में बहुत संतोष मिलता है। केशव की मैली फटी दुपटी ने उसकी दशा का परिचय दिया था। धन्यवाद बच्चों।